नेकलेस बनाने के लिए पहले हम एक सर्कल ड्रॉ करेंगे। इस तरह से मैं एक सर्कल ड्रॉ कर रही हूँ, ये मैंने सर्कल ड्रॉ कर दिया है। अब इसके बाहर की तरफ करूँगी और इसको ऊपर से हमको एकदम सर्कल नहीं चाहिए, तो थोड़ी सी इसको लाइन को स्ट्रेट कर देंगे ताकि यहाँ पे इसके हुक वगैरह हम लगाएंगे। और अब इस पर ये इस तरह से कोई भी थोड़ी सी मोटी भिंडी लेंगे, लेडी फिंगर जिसको कि हम भिंडी कहते हैं, थोड़ी कड़क वाली लेंगे और इस तरह से कट कर देंगे। अब इसके अगर मिडिल में कुछ बीज वगैरह है तो उनको निकाल देंगे हम, उनको ज़्यादा बीज नहीं आने चाहिए, नहीं तो पेंटिंग में वो अच्छे नहीं दिखेंगे। ये देखिए मैंने आगे आगे के सारे बीज वगैरह निकाल दिए। अब कलर करने का तरीका, इस तरह से मैं इसके ऊपर कलर लगाऊंगी। ये इस तरह से मैंने इस पर कलर दिया है, सब जगह कलर लग गया। आप इसको फोम पे कलर लगा के भी लगा सकते हैं, दोनों तरीके में बताऊंगी आपको। इस तरह से मैंने लगाया, अब इसको यहाँ पे मैं इस तरह से प्रेस कर दूंगी। ये आप इस तरह से ढक्कन में कलर लेकर इस पर ऐसे डिप करके इक्वल डिस्टेंस पे इस तरह से बनाएंगे। ये इस तरह से हम सब तरफ बनाते जाएंगे, बस इसके बाद मैं ऊपर नहीं लूँगी, अभी सेम टेक्निक से दूसरी साइड भी बनाऊँगी। अब इनके बीच में मुझे डिजाइन देनी है। या आप अपनी इच्छा से किसी भी टाइप का डिजाइन बना सकते हैं, मैंने थोड़ा इस तरह का बनाया है। इस तरह से पहले मैंने लेडी फिंगर का पूरा कर दिया है और एक एक कान के टॉप्स के लिए भी बनाऊंगी। इस तरह से मैंने एक एक कान के टॉप्स के लिए बना दिए हैं। अब मैं गोल्डन कलर से करूँगी, अगर आपके पास गोल्डन कलर नहीं है तो येलो कलर से भी कर सकते हो। पहले मैं इसकी गोल्डन कलर से एक लाइन ड्रॉ कर रही हूँ, इसके जस्ट आगे आगे मैं एक गोल्डन कलर से लाइन बनाऊँगी इस तरह से। अगर आपके पास गोल्डन कलर नहीं है तो आप येलो कलर ले सकते हैं या लाइट ऑरेंज ले सकते हैं, आपकी इच्छा पे है। ये इसकी टच होता हुआ होना चाहिए। मैं ये पूरा बनाते हुए लाइव बता रही हूँ, किसी तरह का आपको शॉर्ट और फास्ट नहीं कर रही हूँ, ताकि आप अगर चाहें तो सेम इसी टेक्निक से मेरे साथ साथ भी बना सकते हैं देख देख कर। बहुत ही इजी है, बच्चों के लिए बहुत ही अच्छा है ये और इजी मेथड है। लेडीज़ भी जिनको इंटरेस्ट है वो भी कर सकती है, ऐसा ज़रूरी नहीं कि बच्चे ही करें। ये किया है मैंने और अब इनके बीच में मैं कुछ डॉट्स डाल रही हूँ गोल्डन, तो थोड़ा सा एक नेकलेस का और लुक आ जाएगा। तो
तो ये मैं थोड़े से इस तरह से डॉट्स डाल रही हूँ गोल्डन कलर की। ये डॉट्स अगर आपसे बराबर नहीं होते तो ईयरबड से भी इस तरह से डाल सकते हैं, और इस तरह से ईयरबड से भी इसको जॉइंट कर सकते हैं। यहाँ पर मैं जॉइंट कर रही हूँ ताकि वो लगे कि इसमें जॉइंट है। ये इसके नीचे भी मैं एक मोती दे रही हूँ इस तरह से, और ये जॉइंट कर दी मैंने। और फिर इनके बीच में जितना भी गैप है इनको भी मैं गोल्डन कलर थोड़ा थोड़ा भर रही हूँ ताकि थोड़ा सा एक अलग लुक आ जाए। ये इस तरह से मैंने कान के टॉप्स में और नेकलेस में सब में गोल्डन से कर दिया। अब ये चीज़ ध्यान से देखिए कि इसका पीछे का पोर्शन कैसे बनाना है। इसकी चेन जो बनानी है हमको पीछे से, उसके लिए हम छोटे छोटे सर्कल बनाएंगे इस तरह से, एक सर्कल फिर जॉइंट। ये बहुत ही सावधानी से और फिनिशिंग से बनाना है आपको, अदरवाइज ये अच्छा नहीं लगेगा। पीछे हमको वो सेट का वो बनाना है कि इसमें रखा हुआ है, इसलिए मैं थोड़े से हुक जैसे बना रही हूँ इसके। दोनों ऐसे बनेंगे हमारे इस तरह से कि इनमें अटका हुआ है। और फिर से ये मैं गोल्डन का काम कर रही हूँ, ये इसमें जॉइंट कर दिया तो ऐसा लगेगा कि इसके अंदर ये है फिट है। और यहाँ से इस तरह से हुक बना दिया मैंने, ये हुक इसमें जॉइंट है। ऐसा लग रहा है ये हुक है, और इस तरह से मेरा सेट कंप्लीट हो गया है। वेरी नाइस, आप ज़रूर से ट्राई। सॉरी अभी कान के मैंने कंप्लीट नहीं किए हैं, सॉरी। मैं बताती हूँ कान के कैसे बनाने हैं आपको। कान के लिए मैंने पहले एक ऊपर यहाँ पे एक सर्कल बनाया इस तरह से गोल्डन से ही, और फिर इसके ऊपर एक इस तरह से हुक बना दिया। तो ये इस तरह से कान का हो गया पहनने का। इसके ऊपर थोड़ा सा रेड डॉट डाल दूंगी मैं, और इसी टेक्निक से दूसरे साइड का बनाएंगे सेम। तो इस तरह से हमारे सेट पूरा कंप्लीट है। देखिए बहुत ही अच्छा लग रहा है, आप जरूर से ट्राई करिए। चाहिए तो इसके सेट के बॉक्स के लिए आप चारों तरफ रेड कलर की लाइन भी दे सकते हैं। इस तरह से मैंने बटरफ्लाई वाली जो हमारी ट्रे आती है कलर मिक्सिंग की, उसको उल्टी रख के और इस पर स्केच पेन से ये इस तरह से मैं कर रही हूँ कि पूरी इसकी आउटलाइन आ जाएगी। इस तरह से मैंने पूरी इसकी ब्लैक आउटलाइन बना दी है। ये मेरा बटरफ्लाई का शेप हो गया। इसके ऊपर इसके एंटीनास बना दूंगी मैं स्केच पेन से ही। इस तरह से मैंने दोनों साइड से इक्वल लेते हुए बना दिए हैं, और अब इनके मिडिल में मैं किस तरह से लेडी फिंगर से मुझे कलर करने हैं वो बताती हूँ। इसके लिए मैंने लेडी फिंगर की थोड़ा हमको छोटा साइज चाहिए, इसलिए मैंने पीछे का पोर्शन इस तरह से कट करा है। और ये देखिए बहुत ही सुंदर कलर निकला है इसका, कहीं भी बीज वगैरह नहीं है तो हमको कोई ज़रूरत नहीं है इसमें से बीज वगैरह निकालने की। अगर बीज होते हैं तो हमको निकालने होते हैं। फिर ये मैं कलर में इस तरह से डिप कर दूंगी, और एक्स्ट्रा कलर जो भी है वो निकाल दूंगी। तो ये देखिए इस तरह से हो जाना चाहिए, कहीं पे एक्स्ट्रा कलर भरा हुआ नहीं होना चाहिए, अदरवाइज वो भरा हुआ आ जाएगा। और इस तरह से मैं ये लाइन के पास इस तरह से छोटे छोटे बनाऊंगी, बहुत ही फिनिशिंग से पास में बनाने हैं, बहुत सुंदर शेप आएगा। अगर यहाँ पे पूरा नहीं आ सकता है तो उसको ओवरलैप लेंगे, पर कॉर्नर पे ज़रूर से जाना चाहिए वो। देखो तो एक ही बार मैंने कलर लिया था, इससे करीब मेरे 5-6 ये आ गए हैं। तो इस तरह से पूरा हम करते जाएंगे।
एक साइड की एक लाइन बनाती है, इसी तरह से दूसरी साइड की लाइन भी बनाऊंगी मैं। बटरफ्लाई के बीच का पोर्शन करने के लिए मैं ब्लैक कलर ले रही हूँ, तो इस तरह से मैंने ब्लैक कलर में डिप किया है। ये मैंने ब्लैक कलर इस पर लगा दिया, एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं लगा हुआ है। अगर कहीं पे इस तरह से आपका छूट गया तो आप ब्रश से थोड़ा सा उसको फिनिशिंग दे दें। तो ये देखो यहाँ पे मेरा थोड़ा सा कहीं कहीं पे लाइंस इसकी बराबर नहीं आई, उस पर शायद कलर बराबर नहीं लगा, तो मैंने फिर से थोड़ी सी हल्की सी छोटे ब्रश से इस तरह से लाइन कर दी। ये मेरे मिडिल का पोर्शन कंप्लीट हो गया। ये मैं कलर करने के लिए एक टेक्निक और दिखा रही हूँ कि इस तरह से कोई स्पंज का पीस लेंगे और इसके ऊपर हम थोड़ा सा कलर डालेंगे। इस तरह से मैंने येलो कलर डाल दिया। अब ये लेडी फिंगर ली मैंने कि कलर सारा अंदर चला जाए, तो आपका एक्स्ट्रा इस पर नहीं आएगा। जो भी पोर्शन बचा है उसमें हम फिर ये इस तरह से बना रहे हैं। जितना ही पोर्शन बचा है मैं येलो से पूरा फिल कर रही हूँ इसको, दोनों साइड में सेम करेंगे। ये स्पेशली आपको ध्यान रखना है कि दोनों साइड में इक्वल होना चाहिए, वो कम ज़्यादा होगा तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। कलर आप अपने अकॉर्डिंग कुछ भी थोड़ा बहुत चेंज भी कर सकते हैं। इस तरह से मैंने बना लिया। अब मैं बीच में थोड़ा सा ग्रीन कलर भी देना चाहती हूँ क्योंकि मुझे थोड़ा खाली खाली लग रहा है, तो इसी को मैंने ग्रीन में डिप किया है इस तरह से। यहाँ पे मैंने एक ग्रीन दे दिया, सेम इस साइड में भी एक ग्रीन दूंगी, फिर यहाँ पे भी एक ग्रीन दे दिया मैंने, यहाँ पे भी एक ग्रीन दे दिया। मेरी बटरफ्लाई है बट थोड़ा आउटलाइन चाहिए, तो आप फिर से ब्रश से दे देंगे तो और भी अच्छी हो जाएगी। ऐसी भी रख सकते हो बट ब्रश से देने से थोड़ी सी शाइनिंग ज़्यादा आती है, तो मैं फिर से ब्रश से दे रही हूँ। तो ये इस ब्रश स्केच पेन की उतनी शाइनिंग नहीं आती है और थोड़ी पतली भी रहती है, इसीलिए मैं दोबारा ब्रश से दे रही हूँ। आप लोग भी हो सके तो ब्रश से दें, और जो छोटे बच्चे हैं अगर नहीं कर सकते, जिनके हाथ में फिनिशिंग नहीं है कि नहीं हम नहीं कर पाएंगे, तो स्केच पेन का भी चलेगा। बट मुझे क्या थोड़ी आदत है फिनिशिंग की, तो मेरे से वो चीज़ हो नहीं पा रही है, इसलिए मैं फिर से ब्रश से कर रही हूँ इसको फिनिशिंग से। तो ये इस तरह से मैंने ये इस तरह से मेरी हो गई कंप्लीट। फिर भी अगर आपको कुछ और चेंजेस करना है तो आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। देखिए बहुत सुंदर लग रही है। मेरे मिडिल का पार्ट थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, एकदम एक्चुअली मिडिल में होता तो बहुत ही सुंदर लगता। तो आप जरूर से ट्राई करिए और कमेंट करिए कि आपको ये पेंटिंग कैसी लगी। फ्लावर बनाना सिखा रही हूँ, इसके लिए वही मैंने लेडी फिंगर को कट की, फिर इस कलर में डिप किया। और जहाँ जहाँ भी आपको फ्लावर बनाना, जैसे मुझे यहाँ फ्लावर बनाना है तो मैंने मिडिल में एक बनाया, फिर इसके चारों तरफ एक एक और बनाती जाऊँगी, और इस तरह से पूरा फ्लावर का शेप दे दूँगी मैं। इस तरह से एक मैंने रेड फ्लावर बना दिया। और कहीं पे आपको लगता है कि मुझे छोटे फ्लावर बनाने हैं, अगर आपको कहीं पे ऐसे छोटे छोटे फ्लावर देने हैं, तो ये छोटे छोटे 3 का मैंने फ्लावर बनाया है।
मैं दोनों साइड में सिमिलर बना रही हूँ। ये मैंने दिया है, अब मैं एक छोटा ब्रश लूँगी और ग्रीन कलर से ये मैंने ग्रीन कलर लिया और इसकी एक इस तरह से बना दी स्टेम। फिर भी मुझे कुछ खाली लग रहा है तो मैं यहाँ पे और फ्लावर्स बनाऊंगी, उसके लिए मैंने फिर से स्टेम साथ में ही बना दी है। अब मैं इसमें दो ब्लू कलर के फ्लावर भी बनाने वाली हूँ। ये मुझे थोड़े से कलर कम अच्छे मतलब थोड़ा लग रहा है कि कुछ खाली खाली सा लग रहा है, तो इसलिए मैं ब्लू कलर के फ्लावर बना रही हूँ। तो ये मैंने ब्लू कलर निकाल लिया। इस तरह से अभी मैं ब्लू कलर का फ्लावर बना रही हूँ। अब इधर भी एक मैं ब्लू फ्लावर दूंगी। ये इस तरह से मैंने फ्लावर्स बना दिए। अभी आपको फिर भी लगता था यहाँ पे एक सिंगल सिंगल भी दे सकते हैं आप, आपकी इच्छा पे कैसी डिजाइन देनी है देंगी। फिर से मैंने इनके भी नीचे स्टेम बना दी इस तरह से। और अगर आपको लीफ भी देनी है तो बीच में ऐसे लीफ दे सकते हो आप, ये आपके अकॉर्डिंग है कि आपको लीफ देनी है या नहीं देनी है। इस तरह से मैंने बीच बीच में लीफ दे दी है, बहुत सुंदर लगेगा। और अगर आपको इसे कली के शेप में देने तो इस तरह से भी दे सकते हैं, ये छोटी सी इसमें कली निकली हुई है। कली बनानी है तो इसके लिए इस तरह से कर देंगे इसमें। इस तरह से ये मैंने फ्लावर बुके बनाया लेडी फिंगर से, बहुत ही सुंदर लग रहा है। आप जरूर से ट्राई करिए और कमेंट करिए कि आपको कैसा लगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।